हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TUV। तो गाइस, आज कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं होगा, आज कुछ नया ड्राइवर ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो गाइस, आप सबको तो पता ही है कि मैं यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें साउंड क्वालिटी तो आता है लेकिन उतना अच्छा नहीं आता है, और इसलिए मैं सोचा कि एक कम रेट का एक माइक परचेस कर लूँ, क्योंकि अभी तो मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, मेरा इनकम भी उतना नहीं है। तो मैं एक जो कि कम बजट में बहुत ही अच्छा होता है सबने बोलता है, तो मैंने भी वही माइक लिया है। आप सबको तो पता ही है, आप लोग गेस्ट कर ही पा रहे हो कि मैंने कौन सा वाला माइक लिया है। बोया माइक, बोया बॉय। जी हाँ गाइस, मैंने भी बोया भाई M1 माइक का ही ऑर्डर किया था, लेकिन उसका प्रो वर्सन ऑर्डर किया था जो कि उसके अगले वर्सन। तो ये आज आ गया अमेजन से वो मेरा माइक, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो ही बना लेता हूँ। तो इसलिए मैं लेके आ गया हूँ आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो। तो चलो इसे आप खुलते हैं। मेरे पास एक नाइफ है, ठीक है, ऐसे मैं काटने वाला नहीं हूँ, नाइफ से काटने वाला हूँ। किधर से काटे? हाँ चलो इधर से काटते हैं। ये अब हट चुका है अमेजन की कवर, उसमें बिल भी है, देखता है मुझे एक्चुअली कितना पड़ा। इसे साइड में रखता है, मुझे इसका 1400 रुपये पड़ा है, ठीक है, इसको भी साइड में रखता है। ओ भाई, मेरे हाथ में अभी है ये वाला चीज़ जो कि हर यूट्यूबर पहले यही खरीदता है शायद, मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर अपने चैनल में बोल के रखा है कि बोया भाई M1 माइक का परचेस कर लो, तो मैंने भी कर लिया क्योंकि मेरा भी यूट्यूब जर्नी शुरू हो चुका है। तो गाइस, इसका MRP है 2995, जो कि 3000 रुपये से 5 रुपया कम है, और इसको मैंने परचेस किया है 1400 रुपये में, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसको मैं ओपन करता हूँ। पैकेजिंग कुछ खास नहीं है, ऐसे ही एक डब्बा दे दिया बस, इसमें यूज़र गाइडर है शायद, बोया बाई M1 प्रो, ये प्रो है, ठीक है, ये यूज़र गाइड है, ये वारंटी कार्ड है। ओ, इसमें बोया का लोगो का स्टिकर है, रखते हैं इसका सबको साइड में, और अभी हम ओपन करेंगे मेन चीज़। तो गया, कोई नहीं, टन टन, ये निकल गया। ओ भाई, ये तो बहुत ही बड़ा है, इसका वायर तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसका वायर, मुझे लगता है कि बहुत दूर से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है, लेकिन ब्लूटूथ होता तो और भी अच्छा होता। कोई नहीं, इससे भी कम चल सकता है। हेलो हेलो चेक, हेलो, जैसे कि गाइस हम सबको तो पता ही है कि प्रो वर्सन में हर टाइम प्रो वर्सन में पहले वाला वर्सन से कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, और इसमें बहुत ही एक खास चीज़ डाला गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये जो अदर्स जो नॉइस होता है ना, इसको ये 10 डेसिबल में भी कैप्चर कर सकता है, और जीरो में भी है, आप ऐसे ही चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप 10 डेसिबल में भी कनेक्ट कर सकते हो, माइनस टेन डेसिबल जो कि जीरो से भी कम होता है, तो अदर्स जो नॉइज़ है वो बहुत ही कम सुनेगा आपको, मेन बात ज़्यादा सुनेगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसका, और इसमें आप और एक बटन मिल जाता है, वो कैमरा का और स्मार्टफोन का दोनों अलग अलग, आप कैमरे से कैप्चर करते हो तो कैमरा का ऑन कर दो, ये देखो कैमरा का ऑन कर दो, और आप स्मार्टफोन का करते हो तो स्मार्टफोन का ऑन कर दो, तो हो जाएगा। और भी एक अच्छा बात है इसमें, जो कि इसमें हेडफोन का 3.5 mm का जैक भी है हेडफोन का, जिसमें कि आप साउंड रिकॉर्ड करते हुए भी आप दूसरे वाला का बात भी सुन सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर और कुछ कोलाबोरेशन हो, ये सब आप इस माइक से कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है इसमें, ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें दिया गया है एक जेल का पाउच जो मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और क्या है, तो गाइस ये था आज का वीडियो, और इसमें फीचर्स प्रो से ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो यूज़ नहीं किया हूँ कुछ भी माइक्रोफोन में, आगे यूज़ नहीं किया है, तो यही मेरा फर्स्ट टाइम है जो माइक्रोफोन में यूज़ करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा इसका एक्चुअली कैसे ये काम करते है। अच्छा काम करते है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं काम करेगा तो इसको लेके क्या फ़ायदा होगा। मैंने इसको अमेजन से परचेस किया था जो कि मैं रिटर्न कर सकता हूँ, 10 दिन अभी टाइम है मेरे पास, तो अच्छा नहीं होगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूँगा।
रिटर्न कर दूंगा। तो अभी मैं कल इससे मैं वॉइस रिकॉर्ड करके देखूंगा, मेरे को लगता है कि अच्छा ही होगा क्योंकि ये बहुत सारा यूट्यूबर का रिकमेंडेशन है कि ये माइक खरीद लो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसका हाफ वाला रेट का जो मिलता था पहले का वो 700-750 में मिल जाता था, वो बोया बाय एम वन माइक था। ये प्रो वर्सन है, ये इससे एक स्टेप आगे है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा पैसा जोड़ के इससे थोड़ा अच्छा वाला ही लेते हैं, वो एक स्टेप आगे वाला, ताकि मैं भी एक स्टेप आगे ही रह पाऊँ। तो गाइस, ये वीडियो बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। मैं तो पहले सोच रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो कैप्चर कर लो, बस एडिट कर लो और डाल दो। नहीं भाई, कैप्चर करने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। कैप्चर कैसे करे, लाइट कैसे आए, और लोग होगा तो उसमें कैप्चर नहीं कर सकते, बहुत साउंड का देखना पड़ता है, एडिटिंग का भी देखना पड़ता है, और डालने के बाद चलेगा ये नहीं चलेगा उसका भी बात है। तो अभी तो ज़्यादा चल नहीं रहा है, आगे शायद चलेगा। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिख ही रहा है। तो चलो, आगे भी मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा। तो गाइस, आज के वीडियो यहीं पर मैं एंड करता है, और देखते रहिए मेरा चैनल को, आगे भी बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल है, लेकिन मैं इसमें सभी तरह का वीडियो डालता रहूँगा, जो मेरे को दिखेगा ये डालना चाहिए ये, और ये डालना नहीं चाहिए तो मैं डालते रहूँगा, ठीक है। ये वो ये सब वीडियो मैं डालता रहूँगा, तो आप लोग बस देखते रहिए, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आते रहेगा। तो सपोर्ट करते रहिए, जैसे कि मैं बहुत आगे तक जा पाऊँ। तो बाय गाइस, लव यू गाइस।